मूवी शुरू होती है। हम जॉन ब्रिजर नाम के आदमी को देखते हैं जो आज ही जेल से छूटकर बाहर आया था। इसी वक्त वो वेनिस में है और जैसे ही वो बाहर आया तो वो सबसे पहले अपनी बेटी स्टेला को फोन करता है। स्टेला के फोन रिसीव करने पर जॉन स्टेला से कहता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन स्टेला अपने फादर से पूछती है कि क्या आप साथ में उसका बिल भी देंगे। दरअसल स्टेला जानती है कि उसके फादर एक बहुत बड़े चोर हैं, जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जॉन अपनी बाकी साथियों से मिल रहा है। इस बार वो पानी में बने एक घर से सोने के बिस्कुट चुराने जा रहे हैं जो कि 3.5 करोड़ डॉलर का है। प्लान के मुताबिक वो तिजोरी के नीचे बम लगाते हैं और उसे उड़ा देते हैं, जिससे तिजोरी सीधे पानी में गिर जाती है। वही पुलिस को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो जल्द से जल्द ही उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से वो सोने के साथ भागने में कामयाब हो ही जाते हैं। आखिरकार वो सभी बर्फीले पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं जहां जॉन चार्ली की तारीफ करता है, क्योंकि चार्ली ही वो है जिसने पूरी चोरी की प्लानिंग बनाई थी। इसके बाद जब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो स्टीव के आदमी अचानक एक पुल पर उनका रास्ता रोक लेते हैं और स्टीव हैंडसम रॉब के सिर पर बंदूक तान देता है और जल्द ही स्टीव के आदमी बस से चुराया हुआ सोना उतारना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही जॉन बस से उतरने की कोशिश करता है, स्टीव उस पर बंदूक तान देता है। स्टीव के धोखे पर जॉन उससे कहता है कि मेरे साथ ही तुम्हें छोड़ने नहीं वाले, लेकिन स्टीव सोने के लालच में इतना आंधा हो चुका था कि वो अपने ही बॉस जॉन को गोली मार देता है। उसी समय हैंडसम रॉब बस चला देता है और वो बस के साथ सीधे बर्फीले पानी में गिर जाते हैं, लेकिन स्टीव उन पर ऊपर से गोलियां चलाता है ताकि उनमें से कोई भी न बच सके, लेकिन किस्मत के खेल से ये सब जिंदा बच जाते हैं और तैरते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। बाहर निकलकर चार्ली अपने बॉस जॉन की मौत का गम मनाता है और फिर उसके कातिल स्टीव से बदला लेने की कसम खाता है। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ जॉन की बेटी स्टेला, जो पुलिस में ताले तोड़ने का काम करती है, अब एक दिन जब वो ऑफिस गई तो उसे चार्ली मिलता है और उससे वो कहता है कि मुझे इस चीज का पता चल चुका है और मैं उससे चुराया हुआ सोना वापस लेना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस काम में तुम मेरी मदद करो। लेकिन इसके लिए स्टेला साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपने पापा की तरह चोर नहीं बनना चाहती थी। लेकिन रात को उसका मन बदल जाता है और वो चार्ली को फोन करके कहती है कि जब हम स्टीव से सोना लेंगे तो मैं स्टीव के चेहरे की हवाइयां उड़ते हुए देखना चाहती हूँ। अब अगले सुबह चार्ली स्टेला को पूरी टीम से मिलवाता है और सब मिलकर प्लान बनाते हैं। सबसे पहले वो स्टीव के घर का पता लगाते हैं और घर के अंदर का नक्शा बनाते हैं। फिर वो स्टेला को जासूस बनाकर स्टीव के घर भेजते हैं क्योंकि स्टीव उसे नहीं पहचानता है। उधर स्टीव येवन नाम के आदमी को सोने के बिस्कुट बेच रहा होता है। येवन उससे 4 बिस्किट खरीदता है और कहता है कि मैं आगे भी और सोना खरीदूंगा। वहीं चार्ली की टीम स्टीव के हर कदम पर नजर रख रहे होते हैं। वो स्टेला को टीवी ठीक करने वाली मैकेनिक बनाकर स्टीव के घर भेज देते हैं। वहीं रॉब नाम का एक शातिर आदमी एक मैकेनिक लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ रात गुजारता है और फिर अगली सुबह उसकी यूनिफॉर्म और वैन की चाबी चुरा कर वो सब स्टेला को दे देता है और स्टेला ने केवल वाली का भेस बना लिया था। और उसके बाद लेफ्ट ईयर स्टीव के टीवी की तार काट देता है ताकि स्टीव केवल वालों को फोन करे। फिर वो खुद ही स्टीव से बात करते हैं और स्टेला को उसके यहाँ भेज देते हैं। फिर स्टेला अपनी शर्ट पर छोटा सा कैमरा लगाकर स्टीव के घर में पहुंच जाती है। स्टेला की खूबसूरती देखकर स्टीव अपनी अमेरिका दिखावा करने लगता है। वह स्टेला अपने कपड़ों में छुपाया हुआ कैमरा चालू कर देती है और घर के हर कोने का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद स्टीव स्टेला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। लेकिन स्टेला पहले तो इसके लिए मना कर देती है, पर फिर बाद में स्टेला डेट पर चलने के लिए मान जाती है। और उसके वापस आने के बाद चार्ली और अपने पूरे टीम के साथ एक प्लान बनाता है और मिनी कूपर के अंदर सोने के वजन के बराबर लोहा रखकर स्टेला को कार चलाने के लिए कहता है। लेकिन उन्हें फिर पता चलता है कि कार में सारा चुराया हुआ सोना नहीं आएगा। अब वो एक मैकेनिक रेंज को बुलाते हैं, वो उनके लिए एक ऐसा कार बनाता है जो उनके काम आए। वहीं दूसरी तरफ लील चार्ली को फोन करके बुलाता है और उसे अपनी मर्जी से ट्रैफिक लाइट्स बदलकर सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगाकर दिखाता है। ये सब देखकर चार्ली उससे बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट ईयर भी इस मिशन के लिए बम बनाने में बिजी था। थोड़ी समय में रेंज कारों को भी मॉडिफाई कर देता है और फिर चार्ली की टीम उन्हें टेस्ट करने ले जाती है। ऐसी शानदार कारें देखकर सभी बेहद खुश थे। वहीं दूसरी तरफ स्टीव गोल्ड बेचने के लिए येवन के अड्डे पर जाता है, लेकिन जब स्टीव वहां पर पहुंचता है तो येवन उससे वेनिस में सोने की चोरी के बारे में बात करना शुरू कर देता है, जिससे स्टीव थोड़ा घबरा जाता है और गुस्से में येवन का गला पकड़कर उसे पूछता है कि तुझे इस चोरी के बारे में किसने बताया। येवन कहता है कि मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया है,
लेकिन स्टीव गुस्सा हो जाता है और उसे डेस्क पर पटक कर उसे गोली मार देता है, जिसके थोड़ी देर बाद येवन का भाई मास्का वहां पर पहुंचता है। जैसे ही वो अपने भाई को देखता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दरअसल वो यूक्रेनी माफिया गैंग का लीडर था और अब वो अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। इसी बीच चार्ली और लेफ्ट ईयर एक बदमाश के पास हथियार खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसका नाम स्किनी पेट है। रास्ते में चार्ली लेफ्ट ईयर से कहता है कि भाई उसको घूरना मत तुम, लेकिन जैसे ही लेफ्ट ईयर स्किनी पेट को देखता है तो वो उसे घूरता ही रहता है। दरअसल स्किनी पेट एक गैंगस्टर है। पेट एक पतला आदमी नहीं बल्कि बहुत ही मोटा आदमी था। उधर मास्को और उसके आदमी भूखे कुत्तों की तरह येवन के हत्यारे की तलाश कर रहे थे। मास्को येवन के एक चेले को बुलाकर उससे पूछताछ करता है। उससे मास्को को पता चलता है कि येवन से सोने के बिस्कुट खरीदने के लिए एक बड़ा आदमी आता है जिसके लंबे काले बाल हैं, जिसे मास्को समझ जाता है कि वो स्किनी पेट के बारे में बात कर रहा है। और वो तुरंत स्किनी पेट के पास जाता है और उसे सोने के बिस्कुट और येवन की मौत के बारे में पूछताछ करता है। इधर चार्ली और उसकी टीम अगले प्लान की तैयारियों में जुट जाते हैं और लिल स्टीव पर नजर रख रहा था। वो देखता है कि स्टीव स्टेला को डेट पर ले जाने के लिए निकल पड़ा है। जब चार्ली और उसकी टीम स्टीव के घर से सोना चुराने पहुंचे तो वो देखते हैं कि स्टीव के पड़ोसी पार्टी कर रहे हैं। इतने लोगों के बीच धमाका करके चोरी करना मुश्किल है, इसलिए उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अब स्टेला को मजबूरी में स्टीव के साथ डेट पर जाना पड़ता है। रेस्टोरेंट में स्टीव स्टेला की खूबसूरती की तारीफ करता है और फिर बाद में उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन स्टेला मना करते हुए कहती है कि मुझे लोगों पर विश्वास होता है लेकिन उनके अंदर छुपा राक्षस पर नहीं। ये बात उसने अपने फादर से सुनी थी। ये सुनकर स्टीव कहता है कि मैंने ये बात पहले कहीं सुनी है, और अचानक स्टेला का हाथ पकड़ लेता है। और तभी स्टेला की पूरी टीम रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और उन सबको जिंदा देखकर स्टीव के होश उड़ जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर वो सेफ नहीं है। फिर वो अपने हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताता है, तुम लोग मेरी तिजोरी को कभी नहीं खोल पाओगे। तब चार्ली गुस्से में उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद वो अपने अड्डे पर लौट आते हैं और चार्ली स्टेला को शांत कराता है। फिर जल्दी लिल उन्हें खबर देता है कि स्टीव अपना पूरा सोना मैक्सिको भेजने की फिराक में है। ये सुनकर चार्ली को आइडिया आता है कि वो रास्ते में ही उस तिजोरी को चुरा सकते हैं। फिर लिल कहता है कि भाई अभी अभी तुम उससे मिलकर आए हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चोरी होने देगा? अपना सोना ट्रांसफर करने के लिए स्टीव बहुत ही अच्छे ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करने वाला है। फिर बाद में स्किनी पेट चार्ली को फोन करके येवन के कत्ल के बारे में पूछता है। इस पर चार्ली कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जिसके बाद चार्ली रॉब के साथ चोरी के लिए नया ट्रक देखने जाता है और फिर वो व्रेंच को फोन करके इस ट्रक को मॉडिफाई करने के लिए काम देता है। तब व्रेंच उससे कहता है कि मैं इस चोरी में शामिल होना चाहता हूँ, तो चार्ली उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। बाद में चार्ली और लेफ्ट उस पुल के नीचे बम लगाने पहुंचे जहां से अगले दिन सोने से भरा ट्रक गुजरेगा। आखिरकार अगली सुबह हुई और पूरी टीम स्टीव के सोने के ट्रक्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तभी उन्होंने देखा कि स्टीव ने उन्हें भटकाने के लिए 3 ट्रक्स भेजे हैं और चार्ली को पहले ही इसका एहसास हो चुका था, इसलिए वो कहता है कि हमें उस ट्रक का पीछा करना है जिसके साथ हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। उसके बाद चार्ली लिल को तीनों ट्रक्स के पहियों का भार चेक करने के लिए कहता है। उसके मुताबिक जिस ट्रक के पहियों पर ज्यादा भार है उसी में असली सोना है। जल्दी लिल सीसीटीवी कैमरा देखकर बताता है कि ट्रक नंबर 128 का भार सबसे ज्यादा है। कुछ ही देर तक तो चार्ली की टीम उनका पीछा करती है, पर अचानक एक चौरा से तीनों ट्रक्स अलग अलग दिशाओं में मोड़ जाते हैं। तभी लिल ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल करके ट्रक नंबर 128 वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा देता है। उधर स्टीव ऊपर हेलीकॉप्टर से ये सब देख रहा होता है। वो तुरंत अपने पायलट को पीछे मोड़ने के लिए कहता है। इधर लिल ट्रैफिक लाइट्स की मदद से ट्रक नंबर 128 को अपने रास्ते से भटका देता है और जल्दी चार्ली की टीम इस ट्रक तक पहुंच जाती है और दोनों ट्रक्स में जबरदस्त रेस शुरू हो जाती है। वो चार्ली का ट्रक तो सीढ़ियों से होते हुए ट्रेन स्टेशन भी पार कर गया और तभी लिल एक बटन दबाकर ट्रेन रोक देता है ताकि उनका ट्रक समय पर पुल के नीचे पहुंच सके। आखिरकार वो जैसे तैसे पुल के नीचे पहुंचे और रेंच के इशारों का इंतजार करने लगे। जैसे ही रेंच ट्रक नंबर 128 को पुल पर जाते हुए देखता है, लेफ्ट ईयर पुल पर लगे बम में धमाका करवा देता है और इसके धमाके से सड़क टूटकर सीधा नीचे गिराती है। और साथ ही उसी वक्त रेंच एक बटन दबाकर सड़क पर फट्टा लगा देता है। उधर स्टीव अपने गुंडों को जल्द से जल्द ट्रक ढूंढने को कहता है। उधर चार्ली की टीम को ट्रक तो मिल जाती है, मगर उसके अंदर की तिजोरी देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में ये वो तिजोरी नहीं थी जो स्टेला ने स्टीव के घर में देखी थी। चार्ली फिर स्टेला को इस तिजोरी को खोलने की कोशिश करने के लिए कहता है। स्टेला कहते कि इसका पासवर्ड पता लगाना बेहद मुश्किल है, इसलिए वो ड्रिलिंग मशीन से इस तिजोरी को तोड़ने का फैसला करती है। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद वो इसमें कामयाब रहती है
और जल्दी वो सारा सोना अपनी मिनी कूपर में लाद देते हैं और सारा सोना लेकर पूरी टीम खुशी मनाते हुए वहां से निकल पड़ती है। मगर कुछ ही पलों में स्टीव के आदमी भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और जल्दी वो सब चार्ली की टीम पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर देते हैं। तब चार्ली भी उन पर जवाबी हमला करता है और जल्दी वो हाईवे पर चढ़ जाते हैं। उसी पल स्टीव उन्हें हेलीकॉप्टर से देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। अचानक चार्ली रास्ता बदल लेता है पर स्टीव वहाँ भी आ जाता है। एक पॉइंट पर चार्ली की गाड़ी हेलीकॉप्टर से टकराने ही वाली होती है पर वो गाड़ी को तेजी से मोड़कर बच निकल आता है। तभी स्टीव भी हेलीकॉप्टर से उतरकर और किसी की गाड़ी चुराकर चार्ली का पीछा करने लगता है। इधर चार्ली तुरंत मिनी कूपर एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा देता है और अपनी टीम के साथ दूसरी गाड़ी में भाग निकलता है। वो स्टीव अब भी उनके पीछे लगा हुआ था। जब वो चार्ली की टीम को ट्रेन के डिब्बे से निकलते हुए देखता है तो उसकी मुलाकात रेंच से होती है। वो रेंच को वहाँ पर काम करने वाला समझ लेता है और उसे $5,000 का लालच देकर मिनी कूपर के पास ले जाने को कहता है। रेंच पैसे लेकर ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा खोलता है मगर उसमें से तो चार्ली बाहर निकलता है और वो स्टीव की बेवकूफी पर हंसने लगता है क्योंकि अब स्टीव के पास कुछ नहीं बचा था। अचानक स्टीव अपनी बंदूक निकाल लेता है और वो चार्ली को मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त यूक्रेनियन माफिया गैंग वहां पर पहुंच जाती है। स्टीव उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो माफिया लीडर कहता है कि मैं एवन का भाई हूं। ये सुनकर स्टीव का खून सूख जाता है और वो कहता है कि एवन की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मगर माफिया बॉस उसकी एक नहीं सुनता और मौका देखकर स्टेला भी अपने फादर की जान लेने के लिए स्टीव के मुंह पर जोरदार मुक्का मारती है। इसके बाद माफिया गैंग के गुंडे उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इधर चार्ली की टीम भी सारे सोने लेकर अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।